जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लास है। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों शाम के 3 बज चुके हैं। आज की क्लास में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे जिसमें 65 क्वेश्चन होंगे। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार से, हाथी का पर्यायवाची शब्द बताओ। हाथी का इसमें से पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सी करेक्ट आंसर होगा मतंग। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा मतंग, हाथी का पर्यायवाची शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा मतंग, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दो इस प्रकार से है, गाय कौन सी संज्ञा है? गाय किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक? जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जातवाचक संज्ञा। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, गाय एक जातवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दो का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर तीन के लिए आंसर करिए, बताइए प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? क्या पूछा गया है? प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन नंबर तीन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा प्रति। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, प्रत्येक शब्द में प्रति उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर इस प्रकार से है, धर्म का विशेषण बताइए क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए, धर्म का विशेषण क्या होता है? धार्मिक, धर्मी, अधर्मी या फिर विधर्मी? इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों, ए करेक्ट आंसर होगा धार्मिक। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, धर्म का विशेषण पूछा गया है, धार्मिक होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फाइव इस प्रकार से है, स्वजाति का विलोम बताइए क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए, स्वजाति का विलोम शब्द आपको बताना है। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, फिर से आंसर करिएगा। स्वजाति का विलोम होता है विजाति, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए आंसर करिए, आसमान से बातें करना इसका अर्थ क्या होता है? एक मुहावरा आपको दिया गया है, आसमान से बातें करना, बताइए मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए, आंसर सभी लोग दीजिएगा राइट या रॉन्ग, आप लोग आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुत ऊंचा। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, आसमान से बातें करना इसका अर्थ होता है बहुत ऊंचा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, बंदर सभा किसकी रचना है? लेखक बताइए कौन है बंदर सभा के? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, रत्नाकर या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? इस प्रकार से ऑप्शन है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए, देखिए डी करेक्ट आंसर होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, न सी करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यस बंदर सभा किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आठ के लिए आंसर करिएगा, भाषा संबंधी मूल को कहते हैं, क्या कहते हैं भाषा संबंधी मूल को? पाप, त्रुटि, अपराध या फिर द्रोह? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर आठ के लिए, बी करेक्ट आंसर होगा त्रुटि। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। गुड इवनिंग, भाषा संबंधी मूल को त्रुटि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए आंसर करिएगा, बात का धनी मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए, एक मुहावरा आपको दिया गया है, बात का धनी, बताइए मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बी करेक्ट आंसर होगा, वचन को निभाने वाला। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, बात का धनी मुहावरे का सही अर्थ होता है वचन को निभाने वाला। क्वेश्चन नंबर नाइन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन के लिए आंसर करिएगा, वैदिक छंदों में किसका विचार होता है? अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। वैदिक छंद होते हैं, इसमें किसका विचार होता है?
क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? क्वेश्चन ए करेक्ट आंसर होगा वर्ड का। क्या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर? वर्ड छंदों में वर्ड का विचार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार से है, नृप के पर्यायवाची बताइए क्या होते हैं? नृप राजा का पर्यायवाची होता है। गुड इवनिंग राजा का पर्यायवाची होता है नृप, और भूख महिप ये भी राजा के पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, भूप महेप निरप ये सभी राजा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से है, जैसा करोगे वैसा भरोगे मैं कौन सा सर्वनाम है? जैसा करोगे वैसा भरोगे मैं कौन सा सर्वनाम है? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा संबंधवाचक सर्वनाम है। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार से है, अनुमान का विशेषण क्या होता है? अनुमान का आपको बताना है विशेषण क्या होता है। तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। ए करेक्ट आंसर होगा अनुमानित। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, अनुमान का विशेषण होता है अनुमानित। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गुड क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार से है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक? बी करेक्ट आंसर होगा जातवाचक संज्ञा है। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, राज्यपाल एक जातवाचक संज्ञा शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिएगा, एक वाक्य दिया गया है, मिश्रित वाक्य है, इसे आपको साधारण वाक्य में बदलना है। तो सभी जल्दी से बदलिएगा, जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। अब आपको इसे साधारण वाक्य में बदलना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। पहले वाक्य को पढ़िएगा उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, साधारण वाक्य में बदलना है आपको। किसमें बदलना है? साधारण वाक्य में बदलना है। ए करेक्ट आंसर होगा लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, यह साधारण वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। गुड इवनिंग योगेश, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए, बताइए नरेश का संधि विच्छेद क्या होता है? यस टिल्लू, अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, क्या पूछा गया है? नरेश का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, आंसर सभी लोग दीजिए, राइट आ रहा हूँ, आप लोग आंसर करिएगा। डी करेक्ट आंसर होगा नर धन ईस। यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, नरेश का संधि विच्छेद होता है नर धन ईस। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, आपको बताना है निम्न में से कौन सा वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है? तो चारों वाक्यों को आप लोग पढ़िएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सा वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है? क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का? यस शिवांशु, ए करेक्ट आंसर होगा निसी पानी पीकर दौड़ते चला गया। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, यह पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, आगामी, शांत काला या फिर तुम, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो डी करेक्ट आंसर होगा, तुम विशेषण नहीं है, यही करेक्ट आंसर है इसका। बाकी आगामी, शांत काला ये सभी विशेषण है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 इस प्रकार से है,
निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेषण है? चार शब्द दिए गए हैं, बताइए इसमें कौन सा शब्द एक विशेषण है? क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का? सी करेक्ट आंसर होगा आर्थिक। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, आर्थिक एक विशेषण शब्द है इनमें से। सी करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर कैसे होगा, पहले क्वेश्चन को समझिएगा, विशेषण शब्द पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, आर्थिक एक विशेषण शब्द है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए, सिर से पैर तक के लिए एक शब्द क्या होता है? तो सभी का आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा, सिर से पैर तक के लिए एक शब्द क्या होता है? सी करेक्ट आंसर होगा, अपाद मस्तक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अपाद मस्तक कहते हैं सिर से पैर तक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रकार से है, एक वाक्य दिया गया है, इसे बहुवचन में बदलिएगा। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है परीक्षा में, यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नदी का जल ठंडा है, आपको इसे बहुवचन में बदलना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, सी करेक्ट आंसर होगा, नदियों का जल ठंडा है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, नदी का जल ठंडा है, इसको बहुवचन में बदलना था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, नदियों का जल ठंडा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, आयात का विलोम शब्द बताइए क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा, आयात का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, निर्यात। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, आयात का विलोम शब्द होता है निर्यात। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिएगा, मेप्री किसका पर्यायवाची शब्द है? मेप्री आपको बताना है किसका पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड, ए करेक्ट आंसर होगा, मयूर मोर का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए, यद्यपि का आपको बताना है संधि विच्छेद क्या होता है? यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिएगा, ए करेक्ट आंसर होगा, यदि धन अपि। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, यद्यपि का संधि विच्छेद होता है यदि धन अपि। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, यदि धन अपि, ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, निम्न में से आपको बताना है द्वंद्व समास का उदाहरण है, इसमें आपको बताना है कौन द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, सी करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 इस प्रकार से है, अंबर का अनिकार्ती शब्द बताइए निम्न में से कौन सा है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, बताइए निम्न में से कौन सा अंबर का अनिकार्ती शब्द है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गगन। यस, ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर है, गगन अंबर का अनिकार्ती शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 इस प्रकार से है, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है? आपको बताना है हिंदी साहित्य के किस काल को वीर गाथा काल भी कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर बताइएगा, ए करेक्ट आंसर होगा, आदि काल को, जो आदि काल है इसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 28 के लिए आंसर करिए, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? वह कौन सा समास होता है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है? द्विगु, द्वंद, कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि, इस प्रकार से ऑप्शन है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। डी करेक्ट आंसर होगा, बाबरी समास। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, बाबरी समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करिएगा, युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? उसके लिए एक शब्द क्या होता है जो युद्ध की इच्छा रखता हो? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए।
सी करेक्ट आंसर होगा युयुत्सु। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपी पुलिस की परीक्षा में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, पक्ष का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है निम्न में से कौन से दो अर्थ पक्ष के हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। ए करेक्ट आंसर होगा पंख और। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, पंख और पक्ष के अर्थ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, रात में विचरण करने वाला उसके लिए एक शब्द क्या होता है जो रात में विचरण करता हो। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर होगा निशाचर कहते हैं। क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं जो रात में विचरण करता हो। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। आंख का पर्यायवाची शब्द बताइए इसमें कौन सा है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। क्या पूछा गया? आंख का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। ए करेक्ट आंसर होगा लोचन। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, लोचन आंख का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 इस प्रकार से है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? लेखक बताइएगा कौन है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। गुड, बी करेक्ट आंसर होगा सरदार पूर सिंह। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, सरदार पूर सिंह लेखक हैं आचरण की सभ्यता के। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? कितने कालखंडों में बांटा गया है हिंदी साहित्य को, यह पूछा गया है। तो बी करेक्ट आंसर होगा 4। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 इस प्रकार से, एक मुहावरा आपको दिया गया है, सिर चढ़ाना, बताइए मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। क्या पूछा गया है? सिर चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बहुत आजादी देना। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा बहुत आजादी देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, निम्न में से आपको बताना है विशेषण शब्द कौन सा है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। इसमें आपको बताना है कौन सा विशेषण शब्द है, कौन विशेषण शब्द नहीं है। सी करेक्ट आंसर होगा सुंदर। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, सुंदर एक विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, राम की गाय चहती है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो सभी इसका आंसर करिएगा, राम की गाय चहती है, वाक्य में बताइए कौन सा कारक है। सी करेक्ट आंसर होगा संबंध कारक है, राम की गाय संबंध कारक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 इस प्रकार से है, मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में मुख्य क्रिया बताइए कौन सी है। मैं घर जाता हूं, वाक्य में मुख्य क्रिया क्या है? गुड, बी करेक्ट आंसर होगा जाता। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, जाता एक मुख्य क्रिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, जिसका संबंध इतिहास से हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जिसका संबंध इतिहास से हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऐतिहासिक। क्या कहलाता है? ऐतिहासिक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 39 का। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, बांदा चित्रकूट में कौन सी बोली बोली जाती है? बांदा चित्रकूट में कौन सी बोली बोली जाती है? क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का? बघेली, अवधि, खड़ी बोली या फिर ब्रजभाषा। ए करेक्ट आंसर होगा बघेली बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। आपको बताना है परिणामवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिएगा। निम्न में से कौन सा
परिणाम वाचक क्रिया विशेषण वाक्य इन चारों में से। तो सब इसका आंसर करिएगा, सभी इसका आंसर करिए। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रात को कम खाना चाहिए। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। परिणाम वाचक क्रिया विशेषण वाक्य आपको चुनना था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, रात को कम खाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। आपको बताना है तद्भव शब्द होते हैं, तद्भव शब्द कौन से होते हैं? सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। तो डी करेक्ट आंसर होगा, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से बने होते हैं तद्भव शब्द, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, मैं 3 मिनट में आया, मैं कौन सा कारक है? मैं 3 मिनट में आया वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या फिर संप्रदान कारक? इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। सी करेक्ट आंसर होगा, अधिकरण कारक है। किस प्रकार का कारक है? अधिकरण कारक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 के लिए आंसर करिएगा, आलोचना करने वाला उसे क्या कहते हैं? आलोचना करने वाला क्या कहलाता है? सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आलोचक। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, आलोचना करने वाला आलोचक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 के लिए आंसर करिए, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो सभी इसका आंसर करिएगा, क्या पूछा गया है, किस रस को रसराज कहते हैं? बहुत अच्छे, सी करेक्ट आंसर होगा, श्रृंगार रस को। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 के लिए आंसर करिए, ब्रेथ का पर्यायवाची शब्द बताइए इनमें से कौन सा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताइएगा ब्रेथ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। डी करेक्ट आंसर होगा, व्यापक। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, व्यापक ब्रेथ का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 47 के लिए आंसर करिएगा, जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे क्या कहते हैं? तो डी करेक्ट आंसर होगा, विशेषज्ञ कहलाता है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, जो किसी विषय का ज्ञाता हो विशेषज्ञ कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 इस प्रकार से है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज्यादा शब्द किस प्रकार का है? कैसा शब्द है ज्यादा? क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा या फिर क्रिया विशेषण? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। डी करेक्ट आंसर होगा, क्रिया विशेषण शब्द है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्रिया विशेषण शब्द है ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 49 इस प्रकार से है, आपको ब्लॉम शब्द युग्म दिए गए हैं, बताइए इसमें कौन सा असंगत है? असंगत युग्म को पहचानिएगा। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। गुड, गात का ब्लॉम होता है प्रतिगात, ये सही है। प्रसारण का ब्लॉम होता है संकुचन, ये भी सही है। खक का ब्लॉम होता है मृग, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा, शाश्वत सदैव का पर्यायवाची शब्द है, जो शाश्वत है सदैव का पर्यायवाची शब्द है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, शाश्वत का ब्लॉम होता है नश्वर। शाश्वत का ब्लॉम अगर पूछा जाए तो नश्वर होता है। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, आलू किस भाषा का शब्द है? क्या पूछा गया? आलू किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, चीनी, अरबी या फिर अंग्रेजी?
ए करेक्ट आंसर होगा पुर्तगाली। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, आलू पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, क्वेश्चन नंबर सॉरी 51 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, घोंसले में चिड़िया है, वाक्य में कौन सा कारक है। सभी इसका आंसर करिएगा, घोंसले में चिड़िया है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो सी करेक्ट आंसर होगा, अधिकरण कारक है। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, अधिकरण कारक है। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 52 के लिए, अत्यंत शब्द में बताइए कौन सा उपसर्ग है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा, अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। डी करेक्ट आंसर होगा, अति उपसर्ग है। क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, अत्यंत शब्द में अति उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। क्या करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं ये बताना आपको। ए करेक्ट आंसर होगा, तीन प्रकार होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसे आप लोग याद रखिएगा। वाक्य के तीन प्रकार होते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए, आधी रात का समय क्या कहलाता है, आधी रात के समय को क्या कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, निशीत। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, आधी रात का समय निशीत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए, साधु का भ्रम क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, सभी जल्दी से आंसर करिए। गुड, साधु का भ्रम आपको बताना है, 2018 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, साध्वी। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, साधु का भ्रम होता है साध्वी, सी करेक्ट आंसर होगा। 56 के लिए आंसर करिए, क्वेश्चन इस प्रकार से है, रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में आपको बताना है पुस्तक शब्द किस प्रकार का है, विशेष, विशेषण, क्रिया विशेषण या फिर सर्वनाम। तो सर इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए, ए करेक्ट आंसर होगा, विशेष है शब्द, पुस्तक एक विशेष शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 के लिए आंसर करिए, बताइए छंद के कितने भेद होते हैं। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, क्या पूछा गया है, छंद के कितने भेद होते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़िएगा, 4, 8, 5 या फिर 9, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 4। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब तो याद रखिएगा, छंद के 4 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से, गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। ए करेक्ट आंसर होगा, परिणाम वाचक विशेषण है। किस प्रकार का विशेषण है, परिणाम वाचक विशेषण है, थोड़ा शब्द। तो क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 59 के लिए, डपोर संघ का अर्थ क्या होता है। मुहावरा आपको दिया गया है, डपोर संघ, बताइए मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बेवकूफ। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, बेवकूफ। क्वेश्चन नंबर 62 के लिए आंसर करिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 60 है ये, आपको बताना है बाढ़ का इसमें पर्यायवाची क्या है। सभी इसका आंसर करिएगा, बाढ़ का पर्यायवाची बताइए निम्न में से कौन सा है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। डी करेक्ट आंसर होगा, आसुग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, आसुग होता है बाढ़ का पर्यायवाची, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, डी करेक्ट आंसर होगा, आसुक करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 61 के लिए, आपको बताना है निम्न में से किस शब्द में गुड़ संधि है। चार शब्द दिए गए हैं, बताइए इसमें कौन इसमें गुड़ संधि है। 65 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में, अभी 5 क्वेश्चन और बचे हैं।
तो डी करेक्ट आंसर होगा देवेंद में। यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, देवेंद शब्द में गुड़ संधि है। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 62 के लिए, दुर्गा का पर्यायवाची शब्द बताइए निम्न में से कौन सा है। चार ऑप्शन दिएगा, इसमें बताइए कौन सा शब्द दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक बार बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। सी करेक्ट आंसर होगा धात्री, दुर्गा का पर्यायवाची होता है बाती, सरस्वती का पर्यायवाची है श्री, लक्ष्मी का पर्यायवाची है ज्योत्सना, चांदी का पर्यायवाची है। तो चार ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 63 पंक्ति दी गई है, बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। समय सिंधु चंचल है भारी, उक्त पंक्ति में किस प्रकार का अलंकार है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। बी करेक्ट आंसर होगा रूपक अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यस रूपक अलंकार है दी गई पंक्ति में। 64 के लिए आंसर करिएगा स्वतंत्रता किस प्रकार का संज्ञा शब्द है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है, जातवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। बी करेक्ट आंसर होगा भाववाचक संज्ञा शब्द है। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, स्वतंत्रता एक भाववाचक संज्ञा शब्द है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 के लिए आंसर करिएगा, 65 के लिए आंसर करिए, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश कौन सा होगा सही। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 65 के लिए। सी करेक्ट आंसर होगा, जिसे जाना ना जा सके उसे कहते हैं अज्ञेय, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यस सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन नंबर 66 है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। सभी इसका आंसर करिएगा, मन को आनंदित करने वाला उसे क्या कहते हैं। मन को आनंदित करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है। यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। डी करेक्ट आंसर होगा मनोरंजक कहलाता है, क्या कहलाता है, मनोरंजक कहलाता है। बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर होगा इसका, डी करेक्ट आंसर होगा मनोरंजक कहलाता है। बहुत अच्छे दोस्तों, चलिए दोस्तों आज की क्लास में हमने हिंदी के 66 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वाला आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। गुड, चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।